जय हिंद दोस्तों, अभी बहुत लड़कों का कमेंट देख रहा हूँ कि यही फौज में जाएंगे जो ट्रेन जला दे रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनके अंदर में इतना आक्रोश क्यों है, ये आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। बहुत ऐसे लड़के हैं जो ऐसे ऐसे करके कमेंट कर रहे हैं, इनमें आक्रोश है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बहुत गलत है, क्योंकि ये हमारा ही संपत्ति है। आप लोगों को मैं बताने आया हूँ कि इतना आक्रोश क्यों है लोगों में, क्योंकि अगर कहीं भी वैकेंसी निकलती है, 400-500 वैकेंसी निकलती है, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहती है कि 400-500 बंदा कोई लिया जाता है, जिसमें 70,000 लड़के रनिंग करने के लिए आते हैं, 70,000 के 20 से अगर 300 का बैच करके दौड़ाता है तो उसमें 18 बंदा, 20 बंदा, 22 बंदा करके लिया जाता है, और 20 बंदा जो 18-20 बंदे जो लेते हैं उनमें से मेडिकल पास हो के बस 4-5 बचते हैं, 300 के 20 से 4-5 को लिया जाता है मेडिकल पास और रनिंग में। 70,000 के बीच में से सब मेडिकल और रनिंग पास करके मात्र 500 बच्चे बचते हैं, 500 से 550। अगर उनका वैकेंसी आप कैंसिल कर दोगे, वो लगातार 2 साल 3 साल 3 बार 4 बार फॉर्म भर के 1 बार पास होते हैं, अगर आप उनका फॉर्म कैंसिल कर दोगे तो वो गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे, आप ही बताओ। मैं बहुत लड़कों को देख रहा हूँ, बहुत रो रहे यार, सरकार आपसे निम्न निवेदन है हमारी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक फौज में होने के बाद हम फौजी हैं, हमें बंदों की दर्द समझ में आती है।